आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राहुल गांधी ने कहा, अब मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जल्द बैठक कर नया अध्यक्ष चुने। वर्ल्ड कप में नजरअंदाज किए जाने से नाराज सीनियर भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने क्रिकेट से लिया संन्यास। मध्य प्रदेश में स्ट्रेचर पर लाचार, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों को है इलाज की जरूरत। भोपाल में फिर दरिंदगी की दास्तान, चलते ट्रक में महिला के साथ गैंगरेप। और उज्जैन का होटल शांति क्लार्क हुआ जमींदोज, 34 किलो बारूद से गिरा 20 करोड़ का होटल। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर दिल्ली से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं, पार्टी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जल्द बैठक कर नया अध्यक्ष चुने। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा है जिसमें इन सब बातों का जिक्र है। इस सब को देखते हुए लगता है कि अब कांग्रेस को नए सिरे से काफी मशक्कत करना पड़ेगी। इस्तीफे पर अड़े कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मनाने की चल रही कवायद लगभग फेल हो गई। उन्होंने तमाम बड़े नेताओं के साथ अशोक गहलोत और कमलनाथ के तर्कों को भी सिरे से नकार दिया है। बुधवार को उन्होंने एक बयान में कहा कि पार्टी बिना किसी देरी के जल्द से जल्द नए अध्यक्ष का चुनाव करे। मैं इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हूं, मैंने पहले ही अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब मैं पार्टी का अध्यक्ष नहीं हूं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जल्द बैठक कर नया अध्यक्ष चुने। इस्तीफे पर अड़े कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मनाने की चल रही कवायद के बीच पार्टी में उनके उत्तराधिकारी की तलाश भी शुरू हो गई है। अभी चल रही चर्चाओं में तीन नेताओं के नाम सामने आए हैं। इन तीन नेताओं में मल्लिकार्जुन खड़गे, सुशील कुमार शिंदे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हैं। बड़े बदलाव के प्रयास में जुटी कांग्रेस अब इस सवाल का भी हल तलाश रही है कि राहुल की जगह कौन लेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी ने अपने इस्तीफे को लेकर एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र को राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। हमारी पार्टी के विकास के लिए जवाबदेही महत्वपूर्ण है, इस कारण से मैं अपने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहना मेरे लिए गर्व की बात है, कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नहीं रहूंगा। राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी की सेवा करना मेरे लिए गर्व का विषय है। जिस पार्टी की नीति और सिद्धांतों से देश का विकास हुआ है, मैं देश और पार्टी से मिले प्यार के लिए आभारी हूं। राहुल गांधी ने लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर 2019 में मिली हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं। हमारी पार्टी के भविष्य के लिए जवाबदेही जरूर है, यही कारण है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। 2019 में मिली हार के लिए पार्टी को पुनर्संगठित करने की जरूरत है। पार्टी की हार के लिए सामूहिक तौर पर लोगों को कठिन निर्णय लेने होंगे। यह बेहद गलत होगा कि पार्टी की हार के लिए सबको जिम्मेदार ठहराया जाए। बहुत से साथियों ने मुझे सुझाव दिया कि मैं ही कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष का नाम चुनाव करूं। यह सही है कि किसी की तत्काल जरूरत है कि कोई हमारी पार्टी को लीड करे। मेरे लिए किसी एक का चयन करना गलत होगा। हमारी पार्टी का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब यह पार्टी ही तय करेगी कि कौन हमारा नेतृत्व हिम्मत, प्यार और जिम्मेदारी के साथ कर सकता है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के लिए नजरअंदाज किए गए सीनियर भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू ने बुधवार को क्रिकेट से संन्यास ले लिया। रायडू ने इस बारे में पत्र के जरिए बीसीसीआई को सूचित कर दिया है। रायडू ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। 33 वर्षीय रायडू को बीसीसीआई
आई के सेलेक्टर्स ने इंग्लैंड और वेल्स में चल रहे वर्ल्ड कप के लिए अप्रैल महीने में भारतीय टीम चुनते वक्त नज़रअंदाज किया था। सेलेक्टर्स ने उनकी बजाय विजय शंकर को महत्व दिया था और बताया गया था कि विजय को उनकी थ्री डायमेंशनल क्वालिटी की वजह से चुना गया है। वैसे नायडू को रिजर्व खिलाड़ियों में चुना गया था, जिससे उनके वर्ल्ड कप खेलने की उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन नायडू के साथ इसके बाद दो बार नाइंसाफी हुई। ओपनर शिखर धवन को चोट लगी तो ऋषभ पंत को उनकी जगह भारतीय टीम में चुन लिया गया। इसके बाद जब विजय शंकर चोट की वजह से बाहर हुए तो उनकी जगह मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया, जबकि मयंक ने अभी तक भारत की तरफ से एक भी वनडे खेला नहीं था। 33 वर्षीय रायडू ने 55 इंटरनेशनल वनडे मैचों में 47.05 की औसत से 1694 रन बनाए। इन्होंने इस दौरान 3 शतक और 10 अर्धशतक लगाए। इन्होंने 6 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। रायडू के साथ हो रहे इस तरह के व्यवहार के मद्देनजर आइसलैंड क्रिकेट ने उन्हें अपने देश की स्थायी नागरिकता प्रदान करने की पेशकश की है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा भगवान भरोसे है, एमपी के अस्पतालों में जो हो जाए सो कम है। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी, एक खबर आपके लिए है और देख लीजिए आपके राज में मरीजों के क्या हाल है। इस दृश्य को देखेंगे तो आप खुद शर्मा जाएंगे कि आपके राज में हो क्या रहा है। ये है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, इंदौर का MY हॉस्पिटल। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भी इंदौर से हैं, इसीलिए ये खबर तुलसी सिलावट और मुख्यमंत्री कमलनाथ को समर्पित है। देखिए सरकार के तमाम सुशासन के दावों की पोल खोलती है तस्वीर। स्वास्थ्य सेवाओं के हाल ये हैं कि अस्पताल में एक ही स्ट्रेचर पर अलग अलग परिवार की एक महिला और पुरुष मरीज को साथ ले जाया जा रहा है। कहने को ये कुछ भी नहीं, लेकिन समझे तो लगता है इस स्ट्रेचर की तरह सिस्टम चलाने वालों ने भी बेशर्मी की चादर ओढ़ ली है। बताया यह गया कि स्ट्रेचर ना होने की वजह से महिला और पुरुष मरीज को एक साथ जांच के लिए ले जाया जा रहा था। स्ट्रेचर पर लेटी महिला मरीज का चेहरा उसकी बेबसी बयां कर रहा था। क्यों आप लोग अलग अलग हो, अलग परिवार से हो, तो एक में क्यों आप लोगों को रखा गया है? क्या गाड़ी नहीं मिली मैडम? क्या हुआ, गाड़ी नहीं मिली जो ले आते? तो अलग अलग परिवार से हैं ये लोग? हाँ। आपको कुछ तकलीफ नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ जा रहे हो? इंदौर के MY हॉस्पिटल की लापरवाही के तमाम किस्सों की ये नई कड़ी। हॉस्पिटल ने एक ही स्ट्रेचर पर एक महिला और एक पुरुष मरीज को एक साथ जांच के लिए ले जाया गया था। एक ही स्ट्रेचर पर होने की वजह से महिला खुद को असहज महसूस करती रही। महिला मरीज लाचार थी और उसके चेहरे पर सवाल था। करोड़ों रुपया डकार जाने वाला महकमा स्ट्रेचर तक के इंतजाम नहीं कर पा रहा है। एमपी के दूसरे बड़े शहर जबलपुर की तस्वीर भी मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जी देख लीजिए। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी लगता है स्ट्रेचर गायब हो गए हैं या बेच दिए गए हैं। एक पीड़ित मरीज को देखिए कैसे किसी सामान की तरह जमीन पर घसीटा जा रहा है। अस्पताल कर्मचारी ने स्ट्रेचर ना मिलने पर मरीज को फर्श पर घसीटकर एक्सरे जांच कक्ष तक पहुंचाया। ऐसा लगता है कोई मरीज नहीं मध्य प्रदेश की सरकार को अस्पताल में घसीटा जा रहा हो। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि हमारे यहाँ व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था पसरी पड़ी है और वो स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट और मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुनौती दे रही है कि अगर दम है तो मुझे ठीक करके दिखाओ। उज्जैन के इंदौर रोड पर अवैध रूप से बना 20 करोड़ रुपए का होटल शांति क्लार्क इंस्टीट्यूट्स की इमारत को बारूद लगाकर जमींदोज कर दिया गया। होटल के दो हिस्सों को 34 किलो विस्फोटक लगाकर उड़ाया गया। हाईकोर्ट ने इस होटल को ढहाने के आदेश दिए थे। उज्जैन में इस होटल का निर्माण विभिन्न सोसाइटियों की आवासीय जमीन पर बगैर भूमि डायवर्शन के नक्शा स्वीकृत कराकर किया गया था। हाईकोर्ट ने इस 6 मंजिला होटल को ढहाने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि इस होटल का निर्माण 3 हिस्सों में हुआ था। इस इमारत को ध्वस्त करने के लिए कवायद कुछ दिनों से चल रही थी। जेसीबी
पोकलैंड से दीवारें तोड़ी गईं, जिसके बाद कुल 101 पिलर सामने आए। फिर इन पिलरों में बारूद भरा गया। इंदौर के विस्फोटक एक्सपर्ट शरद सरवटे के निर्देशन में इस होटल को ध्वस्त किया गया। पलक झपकते ही 20 करोड़ की लागत वाला ये होटल जबरदस्त धमाके के साथ जमींदोज हो गया। विस्फोट के दौरान धूल का गुब्बार निकला और होटल के दो हिस्से जमींदोज हो गए। इमारत में विस्फोट के पहले जनसामान्य की सुरक्षा के लिहाज से नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के निर्देश पर पास ही होटल विक्रमादित्य को खाली करा लिया गया था। इसके अलावा हरि फाटक ब्रिज और महामृत्युंजय द्वारा से ट्रैफिक डाइवर्ट करने और अनाधिकृत व्यक्तियों को कार्रवाई स्थल से दूर रखा गया। ये होटल अफसरों से मिलीभगत कर नियम विरुद्ध बना लिया गया था। इसे ढहाने में 34 किलो बारूद का उपयोग किया गया। इस पर 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च हुए, जिसे होटल मालिक से वसूला जाएगा। नगर निगम आयुक्त एवं प्रभारी कलेक्टर प्रतिभा पाल ने गुरुवार को होटल का मुआयना किया। उनके साथ होटल से आए विस्फोटक एक्सपर्ट शरद सरवटे थे। इसके बाद वैधानिक अनुमति जारी कर दी गई। वहीं होटल मालिक को 24 घंटे में अपना सामान बाहर करने और होटल में समस्त प्रकार की बुकिंग बंद करने के निर्देश भी दिए गए थे। इंदौर हाई कोर्ट की डबल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए होटल मालिक चंद्रशेखर निवास श्रीनिवास ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने 10 दिन पहले 18 जून को होटल शांति क्लार्क इन स्वीट्स की समस्त परमिशन रद्द करते हुए तोड़ने के आदेश दिया था। भोपाल में हाईवे पर चलते ट्रक में एक महिला के साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप से पहले ट्रक में महिला के पति को उतार दिया गया। इस वारदात को भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया। राजधानी भोपाल को शर्मसार करने वाली एक और घटना घटी, जिसमें 3 लोगों ने मिलकर एक विवाहित महिला के साथ गैंगरेप किया। मामला खजूरी थाना क्षेत्र का है। घटना भोपाल इंदौर हाईवे की है, जहां 3 युवकों ने चलते ट्रक में महिला के साथ दुष्कर्म किया। बखनिया स्टेशन के पास रहने वाले गोपाल व उनकी पत्नी खाना खाने के लिए लिफ्ट लेकर बाइक से कोलूखेड़ी पहुंचे और वहां से ट्रक में लिफ्ट लेकर बैरागढ़ आ रहे थे। इसी दौरान ट्रक में सवार लोग महिला के साथ छेड़छाड़ करने लगे। उसके पति के विरोध किए जाने पर उसे धक्का मारकर ट्रक से उतार दिया गया और उसके बाद चलते ट्रक में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। बैरागढ़ जाने के लिए एक परिचित के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के कोलूखेड़ी तक पहुँचे और उस परिचित ने इनको कोलूखेड़ी पे उतार दिया। कोलूखेड़ी से बैरागढ़ जाने के लिए एक ट्रक में इन्होंने लिफ्ट ली। ट्रक में 3 लड़के थे, एक ड्राइवर और उसके साथ 2 लोग। उन लोगों ने वहाँ पति को मारपीट करके रास्ते में उतार दिया और पत्नी से बलात्कार किया। उसके साथ भी मारपीट की गई है, इसलिए पत्नी की रिपोर्ट पर से अपराध 376 का गैंगरेप का कायम किया गया है। दुष्कर्म के बाद इन बदमाशों ने पीड़ित महिला को भी सड़क पर उतार दिया और ट्रक लेकर भाग गए। बाद में जैसे तैसे पीड़िता अपने पति के साथ खजूरी थाने पहुंची और आप बीती पुलिस को बताई। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों आकाश बिट्टू व शुभम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बस्तर में रेल लाइन विस्तार के लिए लोगों ने प्रदर्शन किया। देश को अरबों का राजस्व देने वाले बस्तर को कोई रेल सुविधा ना मिलने से नाराज बस्तर के लोगों ने रेल की मांग को लेकर आर पार का संघर्ष शुरू करने का ऐलान किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर बस्तर में रेल लाइन विस्तार के लिए सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। बस्तर के लोगों ने रेल के मांग को लेकर आर पार का संघर्ष शुरू करने की बात कही है। रायपुर से जगदलपुर रेल सुविधा की मांग पिछले 40 सालों से बस्तर के लोग करते आ रहे हैं, मगर हर साल बजट के बस्तर रेल लाइन का विषय नदारद रहता है। जगदलपुर से रायपुर और किरंदुल से तेलंगाना के मनुगुरु को सीधी रेल लाइन से जोड़ने के लिए और बस्तर में लंबित तमाम रेल परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के लिए आज बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से युवा आदिवासी भाई और किसान एकत्रित होकर दिल्ली के जंतर मंतर में पहुंच चुके हैं। और हम सिर्फ रेल लाइन की मांग के लिए नहीं आए हैं, हम बस्तर के हक के लिए आए हैं, बस्तर के विकास के लिए आए हैं। रेल अभियान द्वारा जो रेल बस्तर में सीधी रेल सुविधा के लिए जो आज आंदोलन किया जा रहा है या जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और सफलता की कामना करता हूं। आज बस्तर में पिछले 50 वर्षों से हम लोग रेल लाइन के लिए सभी सरकारों से निवेदन करते आए हैं।
हमें कुछ ही सुविधाएं मिल पाई है। पिछले प्रतिवर्ष सरकार को 1500 करोड़ रुपए की आय होती है, उसकी तुलना में बस्तर में रेल सुविधाओं के नाम में नगण्य सुविधाएं दी गई है। वो सुविधाएं भी श्री दिनेश त्रिवेदी जी द्वारा 3 रेल लाइनें मार्ग जो है वो शुरू की गई, उसे हमें मिली है। आज भी हमारा बस्तर सड़क मार्ग पर ही आधारित है और उसी से सारी व्यवसायें आवागमन की चलती है। बस्तर से विशाखापट्टनम तक रेल लाइन 50 दशक से ज्यादा समय से संचालित है, जिसका उपयोग सिर्फ प्रतिवर्ष अरबों लाखों का लोहा पत्थर ढोने के लिए किया जाता रहा है। देश को अरबों का राजस्व देने वाले बस्तर को अन्य कई रेल सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। बस्तर के युवक साकेत शुक्ला ने रेल सुविधा की मांग को लेकर अब आर पार का संघर्ष शुरू करने की बात कही है। बस्तर के लोगों का मानना है कि दिल्ली में चलने वाला यह आंदोलन किसी न किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब मध्य प्रदेश के भिंड में मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर के साथ मारपिटाई कर दी है। घटना सोमवार रात की है। इस घटना के दौरान कुछ पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन वे मूक दर्शक बने रहे। भिंड जिला चिकित्सालय में मेडिकल जांच के लिए आए घायल व्यक्ति के परिजनों द्वारा डॉक्टर के साथ अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित डॉक्टर ने मारपीट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। दरअसल अटेढ़ थाना क्षेत्र के नाबली हार गांव के रहने वाले लवली यादव का किसी से पुराना विवाद चल रहा था। सोमवार देर रात जब वह 12 गांव के पास था, उसी समय कुछ लोगों ने उसे घेर कर उसके साथ मारपीट कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची डायल 100 द्वारा घायल लवली यादव को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसके रिश्तेदारों ने हंगामा किया और डॉक्टर की पिटाई लगा दी। कोई नावली आर के यादव लोग आए थे एमएलसी लेकर 100 डायल के साथ। उन्होंने जो उनके अटेंडर थे उन्होंने डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना की है। पुलिस में FIR की कार्रवाई चल रही है और जो संबंधित लोग हैं उनके खिलाफ अवश्य कोई ना कोई कार्रवाई करें। फुटेज मैंने भी देख लिए हैं, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। घायल की मेडिकल जांच के दौरान उसके परिजनों ने डॉक्टर पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके चलते उनमें कुछ कहासुनी हुई और देखते ही देखते मरीजों के परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान MLC कराने आया सिपाही और वहां मौजूद पुलिस वाले मूक दर्शक बने रहे। इन लोगों ने डॉक्टर को बचाने की कोशिश तक नहीं की। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। डॉक्टर के साथ मारपीट की घटना के बाद जिले के डॉक्टरों में भारी आक्रोश है। यह डॉक्टर के साथ मारपीट की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार डॉक्टरों के साथ मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ की घटनाएं हो चुकी हैं। भोपाल स्थित LNCT ग्रुप में बेटी बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में आए मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। LN ग्रुप में बेटी बचाओ सदस्यता की शुरुआत करते हुए शिवराज ने लोगों से सुझाव भी लिए। इस मौके पर LNCT ग्रुप के सचिव डॉक्टर अनुपम चौकसे ने समाज को जागरूक रखने की सलाह दी। भोपाल में LNCT ग्रुप द्वारा बेटी बचाओ अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम का सराहना करते हुए कहा कि बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिवराज ने बेटियों को ज्यादा महत्व और ऊंचा दर्जा देने की बात कही। शिवराज ने कहा कि पूरे प्रदेश में मोहल्ला समितियां बनाई जा रही हैं, जो कि आपराधिक किस्म के लोगों पर नजर रखेंगी। साथ ही अभियान में जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर पर मिस कॉल करने को कहा। शिवराज ने भोपाल में हो रही आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चियों के साथ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। बाहर से आके भी कई बेटियां यहाँ पढ़ती हैं, हॉस्टल्स में रहती हैं,
उनके सामने भी कई तरह की कठिनाई और परेशानी आती है, कई बार वो घुट कर रह जाती है, किसी से कह नहीं पाती है। इसलिए भी यहाँ भी ऐसी कमेटी बने कि अगर बेटी के साथ कहीं दुर्व्यवहार होता है, कहीं कोई अश्लील मैसेज आते हैं, कोई पीछा करता है, कोई छेड़ाछाड़ी की घटना होती है, ऐसी घटनाओं पर वो शेयर कर सके और तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, एक तो ये। और दूसरे, समाज की मानसिकता बदलने में स्टूडेंट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसलिए बेटी बचाओ अभियान में बेटे भी शामिल है, जो चाहते हैं कि हमारी बहनें, हमारी फ्रेंड्स वो सुरक्षित रहें और उनके साथ कहीं कोई इस तरह की घटना ना हो। तो एक जनजागरण का भी अभियान है, लेकिन इसी में से सुझाव आए। बेटियों की सेफ्टी के लिए कोशिश नाम की संस्था जगह जगह जाकर बेटियों की सुरक्षा के अभियान चलाती है, जिसमें बेटियों को सुरक्षा के पहलुओं के बारे में बताया जा रहा है। एलएनसीटी ग्रुप के सचिव डॉक्टर अनुपम चौकसे ने बताया कि प्रोग्राम का उद्देश्य बेटियों की सुरक्षा को लेकर लोगों में जागरूकता लाना है। इस मौके पर बेटी बचाओ अभियान से जुड़ी महिलाओं और बच्चियों को सम्मानित भी किया गया। शिवराज सिंह ने कॉलेज में मौजूद लोगों से अभियान को सफल बनाने के सुझाव लिए और उन्हें लागू करने की बात कही। शिवराज सिंह चौहान और अनुपम चौकसे सहित बच्चों ने मिलकर कैंपस में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। इस मौके पर पूर्व सांसद समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। बेटी है तो कल है, राजनीति से दूर एक प्रोग्राम एलएनसीटी कॉलेज में रखा गया था, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में रखा गया था। उनके ऑनर हमारे साथ अनुपम चौकसे मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं क्या प्रोग्राम था, किस चीज को लेकर प्रोग्राम रखा गया था। जी, बेटी बचाओ अभियान का प्रोग्राम आपने स्थापित किया था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए, इसके बारे में जरा बताएं। शिवराज जी का जो ये अभियान है बेटी बचाओ, जो नॉन पॉलिटिकल एक मूवमेंट है, जो पुराने जो उनके समय इतनी सारी बेटियों के लिए जो इतनी सारी योजनाएं शुरू करी थी, पर अब उन योजनाओं का जो फ़ायदा है वो कैसे मिल सकता है बच्चियों को, और साथ में जो आज की डेट में हम लोग रोज़ देख रहे हैं, कभी रेप की वो हो रही हैं, कभी बच्चियों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो उन सब चीज़ों को, मेंटलिटी को चेंज कैसे किया है, वो करना है, आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सरकार कानून बना देती है, कानून इम्प्लीमेंटेशन हो वो भी ज़रूरी नहीं है। और दूसरा, सबसे हम जब खुद तक चेंज नहीं होंगे तब तक ये सब कुरीतियाँ ख़त्म नहीं होंगी। तो इसलिए उस विचार को आगे लेके उन्होंने बेटी अभियान जो है कॉलेज में शुरू किया था। तो अनुपम चौकसे जी का साफ कहना है कि जो अभियान है वो बेटी बचाने के लिए किया गया है, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जो नियम कानून बनते हैं उनका इम्प्लीमेंट नहीं होता है, उस नियम कानून को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं जैसे समाज को भी जागरूक होने की ज़रूरत पड़ती है, तो एलएनसीटी कॉलेज में एक ऐसा यही प्रोग्राम रखा गया था कि हम कॉलेज से शुरू करें कि समाज जागरूक हो। ये कॉलेज में रखने का एक कारण है कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में जो छात्राएँ हैं वो बाहर से भी आती हैं, और फिर जब क्या होता है, अगर किसी के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस या कुछ होता है तो आप भी समझते हैं कि कहीं बाहर बताना या किसी को बताने में उनको हिचक होती है। तो एक ये है कि भाई आप उन्हें एक टोल फ्री नंबर भी दिया है जिसमें बच्चियाँ अपनी कंप्लेन भी दायर कर सकती हैं, और ये बात भी आगे करना है कि भाई जो बात निकली कि बच्चियाँ भी अपने घर में अपने माँ बाप से ये कहें कि हमको हमारे भाई के बराबर रखा जाए। तो अनुपम चौकसी जी का बोलना है कि जो बेटी है जो बेटा है सब बराबर हैं, बेटी भी आजकल कम नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, सिर्फ समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। एमपी के कृषि मंत्री सचिन यादव केंद्र सरकार से मूंग के मसले पर खफा हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार किसानों के हित को देखकर निर्णय ले। कृषि मंत्री सचिन यादव मूंग के मसले को लेकर परेशान हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी को लेकर केंद्र सरकार को दो बार पत्र लिखने के बाद भी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यादव का कहना है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखकर इस पर निर्णय ले। मूंग के मसले को देखकर लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच फिलहाल कोई सामंजस्य नहीं है, या फिर मध्य प्रदेश अपनी बात ढंग से केंद्र के सामने नहीं रख पा रहा है। देखिए, हम लगातार ग्रीष्मकालीन मूंग की जो खरीदी है उसके लिए हमने केंद्र सरकार से हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शीघ्र जो है केंद्र सरकार किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लेगी, ताकि हमारे किसानों की जो है मूंग और उड़द की जो है खरीदी हम शीघ्र पा। गाडरवारा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है।
चोरों से बड़ी संख्या में दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। गाडरवारा में पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी द्वारा शातिर वाहन चोरों को पकड़ने के लिए जिले में अलग अलग टीमों का गठन किया गया था। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मुख्य आरोपी एवं गिरोह का मास्टरमाइंड शिशुपाल उर्फ राहुल गुर्जर गाडरवारा के पासुपारी गाँव में रहने वाला है, जिसके साथ पुलिस ने 9 लोगों को पकड़ा है। चोरों ने 28 टू व्हीलर की बरामदी की है, जिसकी कीमत 15 लाख बताई जा रही है। जब शातिर चोर से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने चोरी की घटनाओं के कई राज खोले। बहुत बड़ी सफलता गाडरवारा थाने को प्राप्त हुई है, जिसमें इन्होंने वाहन चोरों की गैंग पकड़ के 28 वाहन बरामद किए हैं। ये वाहन भोपाल, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, सीहोर, ये यहाँ से चोरी करता था। इन जिलों के वाहन हैं और उन जिलों से भी हम संपर्क कर रहे हैं। इसके पहले भी 6 गाड़ियाँ इस गाडरवारा थाने में पकड़ी थी। बाइक चोरों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह आसपास के इलाकों होशंगाबाद, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा से वाहन चोरी कर गिरवी रख भोले भाले लोगों को बेच दिया करता था। जुए शराब की लत को पूरा करने के लिए 24 वर्षीय राहुल चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। चोर अपनी मजबूरी बताकर लोगों को गाड़ियां बेच दिया करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। छतरपुर में एक बस और बोलेरो की जोरदार टक्कर से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। छतरपुर के हरपालपुर थाने के कुकरेल के पास मानसी जंगल में बस और बोलेरो की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना उस समय घटी जब हरपालपुर से छतरपुर की ओर आ रही बस से बोलेरो कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो कार खाई में जा गिरी। तत्काल सड़क हादसे की जानकारी डायल 100 को दी गई। घायलों को पहले नौगांव स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, बाद में सभी घायलों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। हॉस्पिटल में करीब हमारे पास 7 लोग आए हुए हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, और इसमें रैगवार परिवार जो पिपट बनाकर रहने वाला था उसमें कुछ लोग छतरपुर के भी थे। रैगवार परिवार के लोग वो कहीं जा रहे थे, इनका एक्सीडेंट एक सुजात कंपनी की बस है, कोई प्राइवेट बस, उससे इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये 7 लोग ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इनको हमने प्राथमिक उपचार करने के बाद आवारा घोड़ों को लेकर जब किसानों की समस्या का समाधान अधिकारियों ने नहीं किया तो परेशान किसानों ने कुछ आवारा घोड़ों को पकड़कर उन्हें कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में ले जाया गया। कलेक्ट्रेट में घोड़ों को देखकर अफसर भी हैरत में रह गए। बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में घोड़े देखकर लोग अचरज में पड़ गए। करीब 12 घोड़ों को शहर से सटे गांव पातोड़ा से किसान हाँक कर लाए और जनसुनवाई में अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो को शिकायत की कि ये हमारी फसल में नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसानों के अनुसार बीमार होने पर इन घोड़ों को मालिकों ने छोड़ दिया है। किसान ने बताया कि ADM रोमानुस टोप्पो को कक्ष से बाहर बुलाकर परिसर में खड़े घोड़े दिखाए, उन्हें ज्ञापन सौंप कर एक हफ्ते के अंदर समस्या का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। ना माधवपुर में, ना पाटुंडा में, ना विरोधा में। अब हमारी हद से ज्यादा होकर पूरी कसूरनेस हो गई। इस बार तो पहले 2 लाख के कलेक्ट्रेट छोड़ दिए तो है। अरे वो तो दो साल से परेशान है सर, आपके सामने हम तो सर आप एक दिन से आ रहे थे, इतना परेशान हो रहे हैं, हम तो 2 साल से परेशान कर। ADM ने नगर निगम को निर्देशित किया और इन घोड़ों को पकड़ कर कांजी हाउस में डाले और उनके मालिकों को ढूंढ कर उनके खिलाफ कार्रवाई करे। किसानों ने बताया कि बुरहानपुर और लालबाग के घोड़ा पालकों ने 25 से 30 बीमार घोड़ों को छोड़ दिया है, जो गांव में हमारी फसलें उजाड़ रहे हैं। बीते सीजन में भी प्याज और गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया था। इस सीजन में कपास, धान व अन्य फसलों को भी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी कई बार शिकायत की जा चुकी थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। किसानों ने बताया कि वो 2 दर्जन से ज्यादा घोड़ों को हांक कर कलेक्टर के पास ला रहे थे, लेकिन आधे से ज्यादा बीच रास्ते से भाग निकले। 20 से अधिक किसान घोड़ों को हांकते हुए गांव से शहर तक लाए थे। जिस चोर कितने बेखौफ हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चोरों ने पुलिस चौकी के पास में ही चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने पुलिस चौकी के बगल में मौजूद सोने चांदी की दुकान में हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छतरपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वह पुलिस चौकी के बगल में भी चोरी करने से नहीं डरते। सिविल लाइन थाने के पन्ना नाके के पास बने पुलिस चौकी के बगल में सोने चांदी की दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया और 2 लाख का सोना चांदी का सामान चुरा कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि चोरी ने बगल की दूध डेयरी की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। जब सुबह दुकानदार को जानकारी लगी तो उसने तत्काल पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। ये रात्रि में घटना हुई है, करीब 7:45 के आसपास दुकान बंद करके गया हूँ। रात में तकरीबन जब भी टाइम हुई है 2-3 बजे के आसपास जी चोरी हुई है। चोरी 2.25 लाख के आसपास का है। सोने का सामान है, चांदी की पायल है, मुझे सामने पुलिस चौकी भी मौजूद है। बाजू में कुछ डेयरी की दुकान है, जिस डेयरी की दुकान में वहाँ की शटर तोड़कर दुकान के अंदर आए हैं दीवार तोड़ के। पन्ना नाके में कृष्णा जो है सर, उसके बगल में दूसरी दुकान से उसके दुकान बंद करते सामने आई है। रात की लड़ाई आ रही है, CCTV फुटेज वगैरह तलाशते हैं। रात में रक्षा की ड्यूटी रहती है वहाँ रक्षा क्षेत्र की, और उनके बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्टेशन से लेके पुलिस कई संत हिरदाराम नगर में देश की खुशहाली और अच्छी वर्षा के लिए इंद्रदेव से निवेदन किया गया। अच्छी बारिश के लिए यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए। संत नगर थोक वस्त्र व्यापार संघ ने यज्ञ का आयोजन किया। नेहरू मार्केट में कपड़ा व्यापारियों द्वारा सामूहिक रूप से हवन में आहुति डाली, भगवान इंद्र से अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की। समिति के अध्यक्ष कन्हैया इसरानी ने बताया कि प्रतिवर्ष यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिससे देश प्रदेश में सुख शांति खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई है। थोक वस्त्र व्यवसाय संघ की ओर से लगभग 40 सालों से हवन का आयोजन किया जाता है। इंद्र देवता प्रसन्न हो, अच्छी बारिश हो, खेत खलिहान हरे भरे हो, शहर में सुख समृद्धि रहे, व्यापार में उन्नति हो, व्यापार बढ़े, आपस व्यापारियों का आपस में तालमेल हो, सहयोग हो, प्रदेश शहर में एकता बनी रहे, इसी कामना के साथ विगत 40 वर्षों से हमारे यीशु की तरफ से यज्ञ का हवन का आयोजन किया जाता है। वहीं दूसरा सब्जी मंडी में भी हवन, कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। मंडी के उपाध्यक्ष कन्हैया मोरदानी ने बताया कि हर माह की 1 तारीख को मंडी में देश की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना और भंडारा किया जाता है। पिछले 19 वर्षों से संत शिरोमणि हिरदाराम जी की असीम कृपा और प्रेरणा से हमारे प्रतिष्ठान पर हर माह की 1 तारीख को हवन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। 1 जनवरी को बड़ा भंडारा किया जाता है नए साल के उपलक्ष्य में। यह 1 जुलाई को विशाल भंडारा भगवान इंद्रदेव को मनाने के लिए, अच्छे से अच्छी वर्षा हो, अच्छे से अच्छे फसलें हो, सब खुश रहे, खुशहाल रहे, देश तरक्की करे, हमारा प्रदेश तरक्की करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में। अब कहीं जाइएगा मत, क्योंकि जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रही हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। कल्याण भाई, ये मानसून तो अभी तक आया नहीं, वही 1 हफ्ते से लोग बोले अभी आ रहा है आ रहा है। मैं अभी स्टेशन से आ रहा हूँ सीधा, वही खड़ा हुआ था। मैं रोज जा रहा हूँ 7 दिन से, मैं समझ में नहीं आ रही मेरे आ कैसे आ रहे, पैसेंजर से आ रहा है कैसे आ रहा है। मैं अभी वहाँ बैठा बैठा इंतजार करते करते और फिर मेरे को समाचार पढ़ने, तो मैं इधर आ गया, बता रहे हूँ। अब पता नहीं कब आएगा मानसून। वही देखो, ये कि चेन्नई में इस बार पानी ने किया तेल का मचाया, पानी की कमी हो गई वहाँ भयंकर किस्म की, बता रहे हो, बूंद बूंद को तरस गए लोग। और मैं बता रहा हूँ भोपाल वादी में पानी वानी ज़्यादा मत फैलाया करो, बता रहे हूँ, ये संभाल के रखो पानी को। वहाँ से 220 किलोमीटर दूर थे, वेल्लूर थे ना, टैंकरों से पानी लाना पड़ा चेन्नई, ऐसी तो हालत हो जाती है, बता रहे हूँ, पानी की इज्जत करो। हाँ भैया, ग्लोबल वार्मिंग तो ऐसी वार्मिंग हो रही है, बता रहे हूँ, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और न्यूजीलैंड में एक रिसर्च हुई है, वहाँ मगरमच्छों के हमले बढ़ गए हैं, बता रहे हूँ। हमले तो बढ़ेगा ही भैया, जब पानी कम हो जाएगा, बेचारे कहाँ जाएंगे, निकल के हवा में रहेंगे मगरमच्छ, पानी में रहेंगे, ये तो अब चल रहा है। और भैया, अमेरिका और ईरान में तो ये जी ठंडी है, बता रहा हूँ। अभी मुझे तो लगता है अभी आकाश में ये जो मिसाइलें हैं ना, इधर से उधर से ये देखने को मिल सकता है, बता रहे हूँ। ऐसे भुनमरा है, इराक से जो युद्ध किया था अमेरिका ने, उस समय जो मिसाइलें देखने को मिली थी ना, वही स्थिति बन रही है, बता रहे हूँ। मैंने समझा लो इनको, पकड़ लो भैया, हाँ बहुत बुरा हाल हो रही है, बेहती गर्मी हो रही है। हाँ भैया, खबर ये सुन लो, मध्य प्रदेश से नीमच की जेल जो है वहाँ से 4 कैदी फरार हो गए, बताओ। वो 22 फीट ऊँची दीवार कूद कूद के भाग गए। मैं बता रहा हूँ, पुलिस तो दूसरे काम में बिजी है, ये चेकिंग कर रही है, हेलमेट और पैसे वैसे उगा रही है, बता रही हूँ। ये तो चल रहा है, दूसरे लोगों को परेशान कर रही है, ये इनमें लगे वो लोग, ये जो कैदी है उनको तो बचाओ। हाँ,
ये खबर देख लो तबादलों वाली, एक मेरे फ्रेंड है उनका अभी ट्रांसफर हो गया, अधिकारी है, और वो गए भैया सामान वामान पैकिंग करके अपने यहाँ ट्रांसफर हुआ था, वो पहुँचे, वो भैया जहाँ पहुँचे वो फिर दौड़ते हुए उनको घर जाना पड़ा, उनकी बीबी ने वो पैकिंग वैकिंग खोलना शुरू कर दी, उन्होंने कहा अरे भैया अभी मत खोलो रुक जाओ, मेरा दोबारा फिर से ट्रांसफर हो गया, ये तो चल गया है। और न्यूजीलैंड में चुनाव हो रहे हैं भैया, और मैं बता रही हूँ वहाँ पे हैं जो आलती वोटर हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, आप मॉल जा रहे हो, सुपर स्टोर जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, वहाँ पे एक बॉक्स रख दिए जाएंगे और उसमें अपना वोट डाल दो, ये ऐसा इंतजाम यहाँ भी होना चाहिए, बता ये भी बहुत आलतियों की कमी नहीं है बता रही। और अफगानी पठानों ने भैया इंडिया वालों को निपटा दिया होता भाई, क्रिकेट मैच में भी नेक टू नेक ऐसा भद गया, पसीने छूट गए इनके जीतने में, बता रही हूँ हल्के में मत लो भैया किसी को, बता रही हूँ वर्ल्ड कप है ये, हाँ कौन कब चल जाए क्या चल जाए, अभी अगला मैच हो रही है वेस्ट इंडीज से, लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, इनको भी हल्के में मत लेना बता रही हूँ, अभी विराट कोहली का फोन आ रही है हमें, मेरे को प्रैक्टिस कराने जाना है उनको, तो भैया नमस्कार मैं जा रही हूँ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।